सुनता नहीं पिया राम ने गल कर रहा मैं राम ने कर रहा तेरे राम ने गल कर बदतमीज आदमी बकवास कर रहे हो तू इत भैन चल लगा है प्यो दा प्यो दा मेरे सामने आज फेसबुक गल कर गल कर रहा तू अच्छा रख फोन अच्छा फोन रख एडा तू हाँ, अमल कर तू आई जी लगे अमल कर पेमेंट पेमेंट है दे दीती और कोलो दे दे हूं तू तू मैं स्टेटस सेंड कर अच्छा मेरे को भी नहीं है मैं स्टेटस सेंड कर जरा पेड़ आ रहा है तेरे को क्यों कर रहे गल फिर क्यों करना पे गल आपसे गुजारिश है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप बहन भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक फरमा के वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज मेरे पास सबसे पहले तो एक बहुत से इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो कि ज़रूरी सवालात हैं बहुत ज़रूरी सवालात हैं जिनके इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको जवाबात भी दूंगा और वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ आज की वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। आपने आज इन लोन माफियाज़ के ऊपर कौन कौन से एक्ट्स लग सकते हैं कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं किस किस एक्ट के ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये लोग तो आपको बताते हैं ना जनाब एफआईए में कंप्लेन चलेगी पुलिस में कंप्लेन चलेगी फलां जगह पे कंप्लेन चलेगी। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आप इन कुत्ते के बच्चों को बताएंगे कि तुम लोग किस किस चीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो तुम लोग किस किस कौन कौन सी ज्यादती कर रहे हो पाकिस्तानी कौम के साथ। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई मोटिवेट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों को इस पेज पे इकट्ठा किया जा सके। पहला क्वेश्चन है जी मेरे पास मदर हुसैन EU9WB भाई की जीमेल आईडी है भाई पूछ रहे हैं सलाम शाह जी वालेकुम सलाम प्यारे भाई ये क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है नेट जनरेटेड कॉल्स करके जीना हराम कर देते हैं मोर ओवर इनकी स्कीमिंग से डर कर मुझे अपना मोबाइल सेल करना पड़ा लेकिन मजबूरन चाहते ना चाहते फिर इस चुंगल में फंस गया हाउ कैन आई डील विद देम बहुत सी पेमेंट्स कर चुका हूँ अब डिप्रेशन बढ़ रही है क्या करूँ एनी गुड सजेशन प्लीज़ गाइड थैंक्स। तो प्यारे भैया ये मेरे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मतदद मरतबा इन लोगों को क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन वालों को लोन रीबैक भी करते रहे हैं पे बैक भी करते रहे हैं लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने नेट जनरेटेड कॉल्स उनको कहा जाता है कि जो VPN लगाई हुई कॉल्स होती हैं VPN लगा के कॉल्स की जाती हैं जिनको आप लोग आम लफ्ज़ों में कमेंट करते हैं मंजर भाई ये बरूने मुल्क के नंबर हैं बांग्लादेशी नंबर हैं इंडियन नंबर्स हैं ये भाई उन कॉल्स का बात कर रहे हैं कि नेट जनरेटेड कॉल्स जितनी भी कॉल्स की जाती हैं नेट जनरेटेड कॉल्स की जाती हैं और इतनी कॉल्स करते हैं कि अगला बंदा धक्के से परेशानी में डिप्रेशन में धकेल दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाईजान सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर 3 एक्ट ऐसे हैं जो कि इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं आज के नहीं बनाए गए तकरीबन ये 3 से 4 साल 5 साल पुराने ये एक्ट बनाए गए हैं और ये बनाए इसी वजह से गए थे जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल आए और जो डिजिटल स्कैमिंग जो डिजिटल फ्रॉड है जब ये हाई लेवल पे हाई सतह पे होना लग गया उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एक्ट्स अनाउंस किए बनाए गए
तो आज इंशाल्लाह ताला मैं उन एक्ट्स का भी आपके आपको बताऊंगा। आपको कोई भी बंदा, डरने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी कुत्ते बिल्ले से डर के। अगर मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी जान की बाजी भी लगाऊंगा अपने बहन भाइयों के लिए। आप लोगों को डरने की किसी भी कुत्ते बिल्ले से जरूरत नहीं है। बेशक वो कोई भी कुत्ता हो, बर वक्त का हो, क्रेडिट कार्ड का हो, उधार पैसे का हो, लैंड होम का हो, एनीवन किसी भी एप्लीकेशन का कुत्ता हो, आपके साथ किसी भी किस्म की ये दो नंबरी करते हैं, स्कैमिंग करते हैं, सबसे पहले आपने जो भी एजेंट आपके साथ दो नंबरी करने की कोशिश करने लगता है, आप उनको सिंपली इतनी सी बात बोल दिया करें, बता दिया करें कि चौधरी गल सुन साड़ी, कि तू साढ़े ना दो नंबरी करेगा, हम लोग आपके ऊपर कंप्लेन करेंगे, हम लोग आपके ऊपर एक्ट सेक्शन लगवाएंगे, ठीक है, इदारे जैसे भी करके आप लोगों को उठा भी लेंगे, पकड़ भी लेंगे, छतरोल आपकी होनी है। असल जो इन माफियाज का बाप है, गॉड फादर है, वो तो चाइना में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, अदर कंट्रीज में बैठे हैं। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर है भी, तो वो इस तरीके से बिल के अंदर छुप के बैठा है कि वो बाहर आने का नाम ही नहीं लेता, वो सामने आता ही नहीं। अगर इन कुत्तों का कोई बाप है भी, तो कल को फंसना है, किसने फंसना है, जो एजेंट ने धमकियां दी होंगी, जिस एजेंट ने कॉल्स की होंगी फैमिली में, फंसना उसने है। अभी मैं यहाँ पे ये बता दूं, हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ये लोन माफियाज काम करते हैं, आम बंदे को, एक जो आम रेगुलर बंदा है, उसको नहीं पता कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो कोई वकला बरादरी के साथ मेरे भाई अटैच हैं, या जो खुद वकील हजरात हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता है, तो जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है कि नहीं। ये आपको दबाते भी हैं, डराते भी हैं, आपसे अमाउंट पैसे भी निकलवा लेते हैं, ठीक है, और डर जो आपका होता है वहीं के वहीं बरकरार रखते हैं, ठीक है, डर को नीचे नहीं आने देते ये लोग। आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा, तीन एक्ट ऐसे हैं जो कि इनके ऊपर लग सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है डेली ग्राफ एक्ट, दूसरा है जी पैटा एक्ट, तीसरा है जी साइबर क्राइम एक्ट। जो पैटा एक्ट है, पैटा एक्ट के अंदर 22, 23, 24, 25 मुख्तलफ एक्ट्स हैं, जो आप अगर कोई भी वकील मेरे भाई हैं तो वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। ये जो 22, 23, 24, 25 ये एक्ट जो है, ये लगाए जाते हैं फैमिली को ब्लैकमेलिंग करने में, किसी की भी फैमिली में कॉल्स करके हरासमेंट करने में, किसी का भी डाटा चोरी करने की मद में, ये जो पैटा एक्ट है 22, 23, 24, 25 ये एक्ट लगाए जाते हैं। इसके बाद ये जो सेक्शन है, ये भी आप लगवा सकते हैं, आप अपने जो भी आपके करीबी डिप्टी डायरेक्टर एफआई हैं, आप उनको कंप्लेन एक सिंपल से वर्के के ऊपर, सादा लो कागज़ के ऊपर आपने एक कंप्लेन बनानी है, कंप्लेन लिख के तफसील से आपने लिखना है कि इस तरीके की हमारे साथ स्कैमिंग की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, हमें हरास किया जा रहा है, हरास करके हम लोगों से लाखों रुपए की डिमांड की जा रही है कि हमें पैसे दो, नहीं तो हम आपका डाटा लीक करेंगे, हम आपका डाटा इंटरनेट पे शो कर देंगे, हम आपकी पिक्चर्स को एडिट करके सेंड करेंगे, आपकी फैमिलीज में कॉल्स की जा रही हैं, जैसा कि आप स्टार्टिंग में सुन के आ रहे हैं, ये जो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में वीडियो में आपने सुनी है, ये अभी पहला फर्स्ट पार्ट आज मैंने लगाया, सेकेंड पार्ट कल वाली वीडियो में लगाऊंगा। तो मज़ीद जो इंशाल्लाह ताला वेरिफिकेशन आपको दरकार होगी, चीज़ें दरकार होंगी इनकी छतरोल के लिए, वो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में मैं मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। तो ये जो एक्ट हैं आपके खिलाफ, ये किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करते हैं, किसी भी किस्म की कोई दो नंबरी करते हैं, स्कैमिंग की करनी है इन्होंने, और क्या करना, कार्रवाई और तो कुछ नहीं कर सकते, स्कैमिंग ही कर सकते हैं। अगर कोई भी स्कैमिंग करते हैं, तो आप अपने जो भी करीबी आपका एफआईए ऑफिस है, अपने डिप्टी डायरेक्टर एफआईए साहब को आप इन एक्ट्स के तहत, जो आपको मैंने 3 से 4 एक्ट बताए हैं, पैटा एक्ट के तहत आप उनको एक कंप्लेन लिखें, कंप्लेन लिख के उनको सबमिट करें, उनको जिसमें बताएं आप क्लियरली आपके साथ ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, ये उसका मोबाइल नंबर है, इस कंपनी के साथ अटैच है, बेशक ये वीपीएन लगी कॉल्स करते हैं, वीपीएन लगे नंबरों से कॉल करते हैं, नंबर बेशक इंडिया का है, एनीवन किसी भी कंपनी का, किसी भी कंट्री का है, लेकिन जिस कंट्री से आपने लोन लिया है या जिसके साथ आप लेन देन करते रहे हैं, आपका डाटा बिरूने मुल्क भेजा उस बंदे ने, उस कंपनी ने, ये हुकूमत वक्त का काम है, एफआईए का काम है, वो उनको जैसे भी करके पकड़े, उनको पकड़ना पड़ेगा। मेरी सभी मेरे पाकिस्तानियों से ये अपील है, सभी एक एक एप्लीकेशन रफ कागज़ के ऊपर एप्लीकेशन लिखें, लिख के अपने अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब को सबमिट करें, जो आपके सिटी के, आपके तहसील के, आपके ज़िले के डिप्टी डायरेक्टर एफआईए हैं, उनको आप सबमिट करें, उनको बताएं कि जनाब हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहा है, हमारे साथ ये स्कीमिंग हो रही है, तो लिहाजा आप इन चीज़ों को कवर करें, इन कुत्तों को पकड़ें,
इनको पकड़ के शिकंजे में लाएं, ताकि कानून के कटघरे में लेके आएं, ताकि अवाम को सुकून हो सके, अवाम को जो हरासमेंट फैली हुई है हमारे पूरे मुल्क में, खौफ और हराश फैला हुआ है, ताकि इससे लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो आप लोग प्लीज काइंडली और कुछ भी नहीं किया करें, डरने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही डरने वाली कोई चीज है, ना ही कोई बात है, ठीक है। जस्ट आप जब आपके साथ ये स्कीमिंग करने की कोशिश करते हैं, इनकी स्कीमिंग से पहले आप इनको बताया करें कि चौधरी तुसी साडा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन असी जो तुहानू हाथ पाया ना, तो तुहाडियां नस्लां याद रखनियां, तुहाडियां आंदरां खिलर जानियां रोड ते, जिवें कुत्ता ट्रक थले आया हुंदा है, तो तुसी इंसान दे बच्चे बन जाओ। उसके बाद आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी पेटा एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, आपको हरास करता है, आपकी फैमिली को हरास करता है, 5 से 10 साल उसको साथ में कैद भी है, 10 लाख तक जुर्माना भी है, साथ में आपने ये भी बता देना है। और जो एक्ट मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं चीज़ें, वो आपने अपने माइंड में रखनी है। कोई भी कुत्ता जाहिल आपके साथ किसी भी किस्म की बदअखलाकी की कोशिश करे, उसकी बदअखलाकी से पहले आपने उसके माइंड में ये चीज़ें डाल देनी है कि चौधरी वो तो बैठे नहीं बाहर है, जिहड़ा तेरा गॉडफादर है, लेकिन तू फड़िया जाने, तेरी मंजी साइया ने ठोकनी है, ठीक है, तेनू साइया ने लम्मा पा लेना, उन्होंने चंगा है, तू इस काम चू बाहर निकल, दफा हो जा, गलीज़ इंसान साढ़े तो दूर हो जा। अगर तू साढ़े तो दूर ना होया तो फिर तुसी तेनू असी एवें दा नेड़े करांगे कि तू साढ़े तो दूर भजेगा तो असी तेरे नेड़े आवांगे, तो तू साढ़े नेड़े लगना नहीं। जब आप हिम्मत और हौसले के साथ इन कुत्तों को थोड़ा सी डील करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाईजान, आपको नंबर वन करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, आपको डरने की जरूरत पेश नहीं आएगी, ये कुत्ते आप लोगों से डरेंगे, मेरी ये शॉर्टी आप लोगों। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का कंटेंट, मेरी आज की वीडियो, सवालात तो बहुत थे जिनके आपको जवाब देने थे, लेकिन वीडियो रेगुलर बेसिस पे मेरी कोशिश होती है आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकूँ, आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ, मिसालें दे के, एग्जाम्पल्स दे के, एनी वन कुछ भी जैसे भी करके मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिस बिना पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को टाइम नहीं लगता, पता चलता और टाइम गुजर भी जाता है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो भी बातें हैं वो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में करेंगे जी। उम्मीद करना मेरी आज की वीडियो, मेरी आज का मुकम्मल कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों को मोटिवेट किया जा सके, इन कुत्तों की रिकवरीज को रोका जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें, ताकि हमारे मुल्क के पाकिस्तान की भलाई की जा सके, हमारे हम मुसलमानों की आपस में भलाई की जा सके, एक दूसरे के हम सहारा बन सकें। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए जी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।